हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले आपको कैसे टास्क करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर आप लोग अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं माई V38 में, तो रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है और आपको किस तरह से डेली टास्क करना होता है, सारा कुछ मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी। आप चाहें तो ये प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आज यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना सेल्फ टास्क कर लिया है, टुडे अर्निंग मैंने अपना सेल्फ टास्क कर लिया। 500 रुपये डेली आता है, जहाँ पे 4.5 रुपये कैश वॉलेट में और 2 वॉलेट में आता है आपको 50 पैसे। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आपको विड्रॉल लेने होते हैं माई V38 एप्लीकेशन में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है विड्रॉल लेने से पहले, ठीक है। तो सबसे पहले विड्रॉल लेने के लिए आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 लाइन पे क्लिक करते हैं, 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे यूजर नेम रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे आपको एक वॉलेट का सेक्शन दिख रहा है, कमीशन के जस्ट नीचे एक वॉलेट का सेक्शन दिख रहा है। वॉलेट के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला आएगा रिडीम कैश वॉलेट, दूसरा आएगा एड्स वॉलेट और तीसरा आएगा टूर्स वॉलेट। तो आप जो पैसे कमा रहे हैं ये हो गया आपका एड्स वॉलेट में, ठीक है। तो एड्स वॉलेट में क्लिक करना है। जैसे ही आप एड्स वॉलेट में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको इस तरह इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे एक प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। तो आपको प्लस का साइन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्लस का साइन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको जो है इस तरह से आ जाएगा जो भी आपके अमाउंट है। मिनिमम विड्रॉल आप यहाँ पे 60 रुपये विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। और विड्रॉल के बारे में और थोड़ा सा बात बताऊं तो विड्रॉल लेने से पहले आपको KYC करना बहुत ही अनिवार्य है, और अगर KYC में एक स्पेलिंग भी गलती हुआ तो आप यहां पे विड्रॉल नहीं ले पाओगे। विड्रॉल तो यहां से कर लोगे बट आपके अकाउंट में आएगा नहीं। और विड्रॉल की बात करूं तो आप मंडे टू फ्राइडे कभी भी आप विड्रॉल ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा संडे को तो विड्रॉल आप नहीं लगा सकते, तो मंडे टू सैटरडे बैंकिंग आवर्स में आप विड्रॉल लगाइए। बैंकिंग आवर्स आपको भी पता है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक रहता है, तो अगर आप बैंकिंग आवर्स में विड्रॉल लगाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, विड्रॉल आपके अकाउंट में सक्सेसफुली आ जाएगा। और विड्रॉल का जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, वो है 1 वीक। 1 वीक में आपका जो विड्रॉल है वो आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। तो और भी जो भी इसके बारे में अपडेट आता जाएगा, मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे वॉलेट में यहाँ पे 76 रुपये है और मेरे यहाँ पे सारा कुछ फिल किया हुआ है क्योंकि मैंने KYC कर लिया। जब तक आप KYC नहीं करेंगे तब तक ये डिटेल्स आपका जो है फिल नहीं होगा। KYC करना भूले नहीं, और KYC कैसे करना वीडियो पहले देख लीजिएगा, बाद में रोइएगा मत, क्योंकि बाद में मैं क्या कोई भी आपका हेल्प नहीं कर पाएगा अगर KYC करने में थोड़ी सी भी मिस्टेक आपने की हो तो, ठीक है। तो KYC कैसे करना है, 4-5 मिनट का वीडियो है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वीडियो को आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और ये जो मेरा एक प्लेलिस्ट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो My V38 का जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को आप एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में आपको हो सकता है कोई ना कोई आपको हेल्पफुल वीडियो मिल जाए रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, KYC के रिगार्डिंग, या पूरा प्लान क्या है सारा कुछ। तो इसको भी विजिट कर लीजिएगा, जो भी आपको हेल्पफुल हो, कुछ सीखना हो KYC करना या फुल प्लान क्या है, तो आप वीडियो देख के आप पूरा सीख लीजिएगा, ठीक है। तो विड्रॉल आप यहाँ पे जब अमाउंट लिखेगा, जहाँ से यहाँ पे 76 है, तो बट यहाँ पे मैं 76 विड्रॉल नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट अमाउंट शुड बी 50 to 60। तो बहुत सारे लोग 50 रुपये विड्रॉल करते हैं, 55 रुपये विड्रॉल करते हैं, बट मैं यहाँ पे 60 रुपये विड्रॉल करके दिखाऊंगा, 60 रुपये विड्रॉल करके दिखाऊंगा लाइव यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। स्किप भूल से भी मत कीजिएगा। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, ठीक है, सारा कुछ। ये KYC करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाता है, और इसको आप कुछ भी कर लीजिए या कोई भी आके इसको आपको चेंज नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे गलत है तो आपका पैसा आएगा ही नहीं। तो KYC सही से कीजिएगा, KYC अगर सही से करते हैं तो सारा डिटेल्स आपका सही होगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है। तो मोबाइल नंबर कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट दिए हैं, तो बैंक अकाउंट में जो अटैच नंबर है वो नंबर देना है, लेकिन नहीं, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर ही आपको यहाँ पे डालना है। ऐसी गलती मत कीजिएगा कि कोई भी नंबर यहाँ पे डाल दिए, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है वही नंबर यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे मैंने अपना रजिस्टर्ड नंबर डाल दिया है और यहाँ पे OTP का एक सेक्शन दिख रहा है आपको, तो आपको यहाँ पे OTP डाल देना है, ठीक। आपके नंबर पे OTP आ गया होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा OTP यहाँ पे आ गया है, डियर अर्न विद VK योर माई V38 वॉलेट पेमेंट रिक्वेस्ट इतना।
तो जो ओटीपी है ओटीपी मुझे यहाँ पे कॉपी कर लेना है। जब यहाँ पे आप अपना ओटीपी देते हैं, ओटीपी देने के बाद यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर से आपको सबमिट का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे फिर से क्लिक कीजिएगा, सबमिट पे क्लिक करने के बाद सक्सेस, यहाँ पे जो है आपका विड्रॉल सक्सेसफुली आपके अकाउंट में चला जाएगा। ये जो विड्रॉल है आपको ड्यूरेशन है वन वीक में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 रुपये का जो विड्रॉल लगाया, कब लगाया, 9 दिसंबर 2023 को विड्रॉल लगाया। तो ये विड्रॉल जो है आपको 1 वीक में आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ से फिर हम बैंक आ जाते हैं। बैंक आने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा इंटरफेस दिखा देता हूँ, और अवेलेबल बैलेंस में यहाँ पे आप देख सकते हैं। सर ये देखिए, ये जो है आपको हमेशा दिखेगा, ठीक है। आपने टोटल कितना इनकम किया है, डेली क्या है, ये सारा कुछ कैसे टास्क करना है। टास्क करने में भी कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो कैसे डेली आपको एक्टिविटी करना है, कैसे डेली आपको सेल्फ इनकम करना है, वो वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है उसका भी मैंने दे दिया। रजिस्ट्रेशन कोई भी किसी लिंक से नहीं कर सकते हैं, जो ऑलरेडी यूजर्स हैं, जो ऑलरेडी MyV3Ad में काम कर रहे हैं, जिनका आईडी है, वही किसी नए लोगों का आईडी लगा सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या आपको डिटेल्स चाहिए, वो आप वीडियो नीचे देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया कि आपको किस तरह से अपने विड्रॉल को लेना है। विड्रॉल लेने के लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना होता है, यानी KYC करना होता है, और KYC किस तरह से करना है उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने आज मॉर्निंग में वीडियो अपलोड कर दिया था। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप KYC करने में, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करने में थोड़ी सी भी गलती करते हो, तो आप कभी भी लाइफ में, मतलब समझिए, ये आईडी ही आपका कोई काम का नहीं है। तो गलती भूल सही मत कीजिएगा। मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो आपके हेल्पफुल के लिए होता है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। विदाउट इन्वेस्टमेंट प्लान आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और अभी जो है मैं जल्द ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल मेरा 76 हो गया है, और मैं जल्द ही अब 100 रुपीज़ कमा लूँगा। और जब कोई भी 100 रुपीज़ कमाता है तो वो बन जाते हैं SG। तो इसी तरह से हम जो है सफ़र SG12 तक का रखे हैं टारगेट, एक साल में मुझे SG12 करना है कंप्लीट। तो आप लोग भी अपने लेवल को अचीव कीजिए, अपने टैग को लीजिए SG SG1 SG2 SG3। तो वो पूरा प्लान मैं एक सिंपल भाषा में 2-3 दिन में मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वो भी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, MyV3 के प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा तक देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ प्यार भरा कमेंट जरूर लिखें, और कोई आपको कन्फ्यूजन, कोई क्वारीज हो MyV3Ad के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि मैं आपको और ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।